हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने पूरे करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 8 जून 2020 और 8 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुमेरु PACS नाम से एक डिवाइस बनाया है। तो अभी DRDO ने सुमेरु PACS नाम से एक डिवाइस बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। PACS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। क्या होती है? पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। और सुमेरु PACS इससे क्या होगा? तो जितने भी हमारे डॉक्टर, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिसकर्मी, जितने भी लोग PPE किट पहनने वाले हैं, क्योंकि PPE किट पहनने के बाद वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, जिसके कारण अंदर पसीने होने लगते हैं और भीग जाते हैं और वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। तो इससे होगा कि 500 ग्राम वजन का एक बैग होगा जो PPE किट के अंदर लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जितने भी लोग PPE किट पहनने वाले हैं उनमें पसीना नहीं आएगा और वह बिल्कुल ठंडा महसूस करेंगे। अब इसे DRDO ने डेवलप किया है, तो DRDO के बारे में देखते हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? और नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुई थी। और DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला एशियन कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो अभी महिला एशियन कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहली बार 1979 में आयोजित किया गया था और उसके बाद ये दूसरा बार एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत में 2022 महिला एशियन कप की मेज़बानी की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ COVID-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ COVID-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे क्या होगा कि साइबर क्राइम के बारे में अवेयर करने के लिए और स्टूडेंट को सिक्योरिटी के बारे में बताने के लिए प्रेजेंट टाइम के हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ COVID-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया। तो अभी 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसमें मनाया क्यों जाता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, रूसी, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश और फ्रेंच। कौन कौन? अरबी, रूसी, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश और फ्रेंच। और इनमें से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये रूस के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था AS पुश्किल, इनके ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब बात यूनाइटेड नेशन की हुई है, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे 193 कंट्रीज मेंबर हैं। कितने? 193। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और 6 जून को ये तो रूसी भाषा दिवस ही मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। तो अभी ब्राज़ील ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब बात आती है WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष टेड्रोस अधानो केवेरियस हैं। कौन है? टेड्रोस अधानो केवेरियस। और भारत को 3 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। और प्रेजेंट टाइम के हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब संबंध तोड़ने की धमकी ब्राज़ील ने दी है, तो मैप में देखते हैं ब्राज़ील को। यह है मैप में ब्राज़ील, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में स्थित है, और इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो हैं। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो अभी HDFC बैंक ने समर ट्रीट अभियान शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये अभियान HDFC बैंक ने शुरू किया है, तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HDFC बैंक की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO आदित्य पुरी हैं। कौन है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में WHO ने भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो अभी WHO ने शीर्ष NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये सम्मानित क्यों किया है? क्योंकि बिहार और झारखंड में बहुत से लोगों को तंबाकू छुड़ाया है, इसलिए इसे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इसे ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी योजना केरल ने शुरू की है, तो मैप में देखते हैं केरल। ये है मैप में केरल, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के CM पिनरई विजयन है, और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में शांत घाटी और पेरियार बंजी अभयारण्य केरल में ही है। और केरल ने ही COVID-19 रोगियों को सेवा के लिए कर्मी बूट रोबोट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो अभी भारत सरकार ने 1.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे पर मानव पशु मृत्यु दर की रोकथाम पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नितिन गडकरी ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, और पीयूष गोयल ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे रेल मंत्री हैं, और रमेश पोखरियाल निशंक ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर हैं। कौन है? MHRD मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अभी अनिल सूरी का निधन हो गया, वह एक फिल्म निर्माता थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे अनिल सूरी, और इनका अभी निधन हो गया है, और ये एक महान फिल्म निर्माता थे, यार इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? तो जनवरी 2021 यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी WEF के द्वारा की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। WEF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या होती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।